प्रोग्राम है और इसका क्या उद्देश्य है और क्यों आयोजित किया जा रहा है? देखिए, पूरे देश में ब्राह्मण समाज एक विशेष स्थान रखता है और राजस्थान में ब्राह्मण 85 लाख की आबादी ब्राह्मण समाज की है, और चूंकि लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए सिर गिनाने पड़ते हैं, तो उसी क्रम में अपनी सामाजिक, राजनीतिक और अपने आर्थिक प्रतिनिधित्व को लेकर ब्राह्मण 19 मार्च को विद्याधरनगर स्टेडियम जयपुर में विशाल संख्या में एकत्रित हो रहा है, जहाँ से हम किसी दूसरे समाज के हक और अधिकार छीनने की बात नहीं करेंगे, हम सामाजिक समरसता की बात करेंगे। चूंकि ब्राह्मण इस सदैव से वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना रही है, उसको साकार करने की बात करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सभी दलों की तरफ से ब्राह्मणों को मिले, उसके बारे में बात की जाएगी। और हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज में एक समरसता पैदा करना और ब्राह्मणों की अखंडता और ताकत को दिखाना है। इसमें क्या उद्देश्य रहेगा, आपकी क्या मुख्य मांगे रहेंगी, क्योंकि केवल ये ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का संदेश दिया जाएगा इसमें, या फिर आपकी इसमें कुछ मांगे भी सरकार से? इसमें हमारी जो मुख्य मांगे रहेंगी, एक तो ये रहेगी कि जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार ने विप्र कल्याण बोर्ड का गठन राजस्थान में किया है, उसी प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा भी राष्ट्रीय स्तर पर विप्र कल्याण बोर्ड का गठन हो, विप्र कल्याण बोर्ड या ब्राह्मण अधिकारों के लिए कोई ऐसे आयोग का गठन हो जिसमें ब्राह्मणों की बात रखी जाए। दूसरी, हमारे 40 टिकटें दोनों प्रमुख दल राजस्थान में दें, क्योंकि 40 ऐसी सीटें हमने चिन्हित की हैं जहाँ ब्राह्मण जीत हार का फैसला करता है और ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ब्राह्मण प्रतिनिधित्व विधानसभा में घटता जा रहा है। चूंकि पहले हमारे 40-40, 45-45 विधायक हुआ करते हैं राजस्थान विधानसभा में, और ऐसा था कि हमारे कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे 2-2 दर्जन के करीब, तो वो प्रतिनिधित्व तो राजनीतिक हमारा हास होता जा रहा है, तो वो भी मांग हमारी रहेगी। हमारी तीसरी मांग ये रहेगी कि जो निजी क्षेत्र में आरक्षण की बड़ी पैरवी की जा रही है कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, कुछ संस्थाओं के द्वारा, वो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि निजी क्षेत्र में भी अगर आरक्षण हो गया तो फिर इस देश का जो प्रतिभावान छात्र युवा है वो कहीं का नहीं रहेगा। तो ये कुछ ऐसी मांगे जो आवाज़ वहाँ से उठाई जाएगी, और उस पर जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता आएंगे, कुछ और बातें भी समाज को लेकर और नई दिशा और दशा तय करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। आपका नाम बताइए। सुनील मुद्गल, संयोजक ब्रह्म शक्ति संघ। इसके साथ सुनील जी साहब ने बताया है, उसके आगे नेक्स्ट क्रम के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे राजनीतिक रूप से तो हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, उसके अलावा आर्थिक रूप से हम जो ब्राह्मण युवा हैं उनको जो आज सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, 8-8, 10-10 साल तक वो पीछे भागते रहते हैं, उसके बाद भी उनको रोजगार नहीं मिलते हैं या पेपर लीक की, जैसे आप देख पा रहे हो राजस्थान में कितनी घटनाएं हो रही है, तो अपने आप को एक युवा जो है, पढ़ा लिखा युवा, वो अपने आप को ठगासा महसूस करता है। उसके लिए हम पूरे हिंदुस्तान के 600 जिलों के अंदर MSME के तहत प्रोग्राम चलाएंगे, रोजगार के मेले लगाएंगे, और हमारे ब्राह्मण समाज के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स घराने हैं, उनके लोगों के जो CEO है, उन सबको हम एक मंच पे लाके मोटिवेशन सेमिनार्स लगाएंगे, और जो ब्राह्मण युवा है जो नौकरी के पीछे भाग रहा है, केवल 10-20 हजार की नौकरी के पीछे भाग रहा है, उसको हम समझाएंगे कि तू जो 5-5, 10-10 साल नौकरी के लिए दे रहा है, उसकी बजाय अगर तू 10-15 हजार, 1500 दिन अगर अपने व्यापार में दे देता है, तो तू आत्मनिर्भर हो सकता है और परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, और अपनी योग्यता को प्रदर्शित व्यापार के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसको लेके हमारा एक नेक्स्ट जो विजन है, मुख्य जो विजन है, क्योंकि आर्थिक रूप से जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आप किसी भी हित की लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए ब्राह्मण युवा को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसके लिए भी एमएसएमई के तहत और रोजगार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे गांव-गांव, डाने-डाने में जाके। मैं सर्वेश्वर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ, राजस्थान। सर एक चीज बताइए, राजस्थान की शुरुआती राजनीति ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमती है, जयनारायण व्यास हो, हरिदेव जोशी हो, टीकाराम पालीवाल, बड़े बड़े ब्राह्मण जी। हरिदेव जोशी के बाद में एक ऐसा ब्रेक लग गया कि कोई भी बड़ा ब्राह्मण तरफ राजनीति में उभर नहीं पाया जी। ब्राह्मण महापंचायत में जबकि दूसरे समाजों द्वारा लगातार इस तरह की मांग की जा रही है, ब्राह्मण महापंचायत में भी ऐसी कोई मांग है? बिल्कुल 100% मांग की जाएगी, बिल्कुल 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 ये मांग रखी जाएगी हमारी तरफ से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने सदस्य विधानसभा में हमारे चुन के जाएंगे तभी हम ऐसी कोई न्यायोचित मांग कर सकते हैं। आज हम 14-15 विधायकों के चुन के जाने से और हम ये नहीं कह सकते। दूसरी बात, राजनीतिक दलों से हमारी यही मांग है कि हमारे जो युवा हैं उनको संगठन में वो संरक्षण दे, जैसा कि आप अभी देखते हैं ओबीसी के लिए ओबीसी मोर्चा है, एसटी के लिए एसटी मोर्चा है, एससी के लिए एससी मोर्चा है,
ब्राह्मण जाएगा संगठन में भी। मोर्चे भी तो है ना, मोर्चों से आम जनता से जुड़ रही पब्लिक। सभी पार्टियां पिछड़ों को, पिछड़ों के नाम पे ओबीसी बैकवर्ड को आगे करने के लिए मुख्य संगठन में भी उनको जगह देती है। तो मुख्यमंत्री के कद का नेता भी तो संगठन में हो, पहले निर्माण तो वहां से शुरू होता है। तो हमारी ये भी मांग है कि अपने मोर्चों में, प्रकोष्ठों में प्रमुख राजनीतिक दल स्वर्ण जातियों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ का निर्माण करें। सवर्णों की बात की है तो एक बात और है कि ईडब्ल्यूएस को लेकर बार बार उसमें सुधार की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की मांग होती है, और अभी एक नई मांग उठी है पंचायती राजों में ईडब्ल्यूएस का जो 10% कोटा है उसको लागू करना है। ऐसी क्या मांग है, इसको लेकर क्या सोचता है? नहीं, ये शुरू से है, क्योंकि जिस तरीके से पंचायती राज में और निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण है सीटों का, तो उस तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक आरक्षण होना चाहिए। जब उसका पूरा राजनीतिक और रोजगार के साथ साथ राजनीतिक लाभ जब तक नहीं मिलेगा तो ईडब्ल्यूएस के मायने ही नहीं है। तो ये मांग भी हमने इसमें हमारी मांग पत्र में रखी, पर जो हमारी प्रमुख मांग है वो यही है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं हो और राष्ट्रीय स्तर पे एक विप्र कल्याण बोर्ड बने। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दल हमने अपने अग्रिम संगठनों में हमारे युवाओं को जगह दे। सर आपने एक शब्द बोला उठा ब्राह्मण।